हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई कलर प्रिंटर है और उसमें दिक्कत ये आ रही है कि आप जब भी प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट तो आ रहा है बट वो प्रिंट प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उसमें या तो कलर प्रिंट में कोई कलर मिस आ रहा है या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई लाइन आ रही है या कोई वर्ड मिस प्रिंट हो रहे हैं, इस तरीके की दिक्कत आपको फेस करना पड़ रही है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारे चैनल पे इस तरीके की यूजफुल वीडियोस अपलोड होती रहती है, आपने अभी तक चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए। और एक और बात बता दूं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है आपके लिए आने वाली वीडियो यूजफुल हो सके, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल पर अक्सर अपलोड होती रहती है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना डिले करे हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आपका फिर से स्वागत है हाउ टू इट कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास प्रिंटर है, कोई कलर प्रिंटर है और उसमें प्रिंट आ रहे हैं, कोई भी आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट दे रहे हैं तो उसमें कुछ वर्ड छप रहे हैं और कुछ वर्ड नहीं छप रहे, या प्रिंट खाली पेज ही प्रिंट कर रहा है, कुछ छप के प्रिंट नहीं कर पा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिंट करके उसको स्कैन करके आपको बता रहा हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, कुछ वर्ड इसमें छप रहे हैं तो कुछ नहीं छप रहे हैं, और जो कलर प्रिंट आते हैं उसमें लाइनिंग आती है। आपको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके भी दिखाऊंगा कि कुछ वर्ड का पेज में छपते हैं, कुछ नहीं छपते, कुछ प्रॉपरली छप रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से क्या होता है कि हम जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हैं वो अच्छे से प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं और इस वजह से हमारे डॉक्यूमेंट अधूरे पड़े हैं। और एक और डॉक्यूमेंट बताऊंगा, जैसे हम कोई कलर प्रिंट दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कलर प्रिंट तो आ रहे हैं लेकिन उनमें लाइनें आ रही है, यानी कि लाइनें ऐसी आ रही है जैसे कि कुछ छप रहा है कुछ नहीं छप रहा है। जो नहीं छपने वाला हिस्सा है वो एक लाइन के तौर पर दिख रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक आधार कार्ड में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊंगा, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर है तो यह देखो बीच में लाइन आ रही है वाइट वाइट पीली पीली, तो ये बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे हमें। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए ये वाइट लाइन, ये येल्लो लाइन आ गई यहाँ पे, तो ये बहुत गंदी लग रही है। और मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फोटो के अंदर ये देखो वाइट लाइन आ गई है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे प्रिंटर के हेड की प्रॉब्लम है। अगर प्रिंटर का हेड में अगर कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो गई है या कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो गई है तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आते हैं। इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम और अच्छे से प्रिंट कर पाएंगे अपने प्रिंटर से कोई भी प्रिंट, या फोटो प्रिंट या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हमें प्रिंटर एंड फैक्सेस में आना है और यहाँ पे जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करके उसके प्रिंट प्रॉपर्टीज में आ जाना है। तो यहाँ पे हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको प्रिंटर प्रिंटिंग डिफॉल्ट के नाम से एक ऑप्शन नीचे दिख जाएगा फर्स्ट नंबर पे, उस पर आपको क्लिक करना है। और आपको तीसरे नंबर पे एक मेंटेनेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे मेंटेनेंस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमको ऊपर से स्टार्ट करना है नोजल चेक, इस पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, ये प्रिंटर का नोजल चेक करेगा, ये देखेगा कि हमारे प्रिंटर में जो नोजल है उसमें हार्डवेयर कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हार्डवेयर दिक्कत नहीं है तो इस तरह के ऊपर का वाला प्रिंट आएगा, और हार्डवेयर की दिक्कत है तो ऐसे कटे पिटे प्रिंट आएगी। तो आपको क्या करना है, ऊपर हार्डवेयर वाले प्रिंटर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट पे फिनिश पे क्लिक करना होगा, और जैसे फिनिश करेंगे ये नोजल चेक होगा और एक आपके प्रिंट डॉक्यूमेंट निकलेगा। तो उस प्रिंट डॉक्यूमेंट को निकलने दें और आपके जो प्रिंटर है उसमें प्रिंट लगा दें, 5-7 प्रिंट लगा दें ताकि एक एक करके सब में प्रिंट निकलेगा। तो ये प्रिंट निकल गया होगा, अगर आपका लाइन प्रॉपर आ रही है, कोई लाइन कट नहीं रही है, तो इसका मीन्स आपका नोजल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको चेक करना है, वो करना है हेड क्लीनिंग का। तो हेड क्लीनिंग के लिए हेड क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है हमने, और जो ये हेड क्लीनिंग है ये इसलिए आती है, जैसे कि मान लो कभी हमने ब्लैक एंड वाइट या कलर फोटो निकाले हैं और निकालने के बाद उस प्रिंटर को एज इट इज हमने रख दिया है, उसमें हल्की इंक लगी हुई होती है और उस इंक हेड पे अगर कोई थोड़ी सी डस्ट लग जाती है तो इस वजह से वो प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं कर पाता, और इस वजह से कुछ वर्ड या कुछ जगह छोड़ देता है, वहाँ पे कलर नहीं फिल कर पाता।
इस वजह से वो प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हेड क्लीन करने से ये फ़ायदा होगा कि उसका हेड क्लीन हो जाएगा और प्रिंट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जो हेड क्लीनिंग का प्रोसेस है वो 7 to 10 minutes का है, तो आप यहाँ पे उसको कैंसिल या क्लोज ना करें। मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रखा है, इस वजह से ये फास्ट हो रहा है, बाकी काफ़ी टाइम लगाता है हेड क्लीन होने में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज यहाँ पे हेड क्लीनिंग का प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए, पूरा चलना चाहिए। आपका जो सिस्टम है उसमें पावर ऑफ या प्रिंटर का पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर चलेगा तभी हेड क्लीन हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दिया है और आगे निकाल दिया है। यहाँ पे हेड क्लीन होने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना होगा या आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने पे आपको पता पड़ जाएगा कि आपका जो हेड है वो क्लीन हो चुका है, प्रिंट सही आ जाएगा, लेकिन अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे पावर क्लीनर क्लीनिंग पे क्लिक करना होगा। पावर क्लीनिंग का मतलब ये है, जैसे कि मतलब आपका जो इंक का जो इंक सप्लाई करता है वहाँ से जो नलीज है वहाँ पे इंक जमा हो जाती है, तो पावर क्लीनिंग से क्या होगा कि ये इंक का प्रेशर बनेगा और वो नोजल तक पहुँचाएगा और वहाँ जमी हुई इंक को वो हटा देगा, जिससे क्या होता है कि इंक की सप्लाई प्रॉपर मिलती रहती है प्रिंटर को, और उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रिंट का डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरीके से कलर और एक्चुअल कलर में हमें प्रिंट दे पाता है, क्योंकि जितनी अच्छी सप्लाई रहेगी उतनी अच्छा ही प्रिंट हमें मिल पाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वापस प्रिंट प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यानी कि प्रिंटिंग डिफ़ॉल्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, उस चेकबॉक्स में चेक लगा देने हैं, और आप जैसे चेक लगाएंगे नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ क्लीनिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगेगा जितना हेड क्लीनिंग में हमें टाइम लगा था, तो यहाँ पे भी आपको उतना ही वेट करना है जहाँ पे आपने हेड क्लीनिंग का किया था। 7 to 10 minutes यहाँ पे हेड क्लीनिंग का टाइम लगा। पीसी आपका या प्रिंटर आपका ऑफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ऑफ हो गया तो आपका ये जो सारा प्रोसेस आपने किया है वो सब फेल हो जाएगा। तो आपका पीसी अगर आपके लाइट व या पावर की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एनीमीटर या बैटरी से कनेक्टेड रखें आपका पीसी या लैपटॉप जो भी है प्रिंटर उसको, ताकि पावर ऑफ नहीं हो और आपका जो ये प्रोसेस हो वो फेल नहीं हो। तो आपको यहाँ पे पावर क्लीनिंग का थोड़ा वेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ पावर क्लीनिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पावर क्लीनिंग है वो 95% तक डन हो चुकी है ऑलमोस्ट, और कंप्लीट होने वाला है प्रोसेस। जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, तो फिनिश का ऑप्शन आ गया है हमारे सामने, हम इसको फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे एक प्रिंट हेड एडजस्टमेंट है, इसको भी कर देते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन है। वैसे तो हमारा प्रोसेस डन हो गया, आप चाहे तो नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3 करें तो एक और कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिंटर का हेड होगा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा और ऑटो कर देंगे उसको हम, तो इससे क्या होगा प्रिंटर का जो हेड है वो भी क्लीन हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। तो उसको भी हम कर देते, थोड़ा यहाँ पे प्रिंटर आवाज़ करेगा बिकॉज उसके जो गियर होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, यानी हेड एडजस्ट होता है तो थोड़ा सा आवाज़ करेगा। तो आप घबराएं नहीं, कुछ टूटेगा फूटेगा नहीं आपके प्रिंटर का, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसको आप प्रिंट हो जाएगा, और हेड क्लीन होने के बाद आप इसको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करके कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे प्रिंट सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हेड क्लीनिंग भी हो चुका है और यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ चुका है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एवरीथिंग, और यहाँ पे हम प्रिंट का टेस्ट प्रिंट देंगे हमारे प्रिंटर का, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रिंट है वो कहीं से कट फिट तो नहीं रहा, प्रिंट हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम चेक करेंगे। तो हम टेस्ट प्रिंट दे देते हैं यहाँ से, और जैसे टेस्ट प्रिंट मैंने दे दिया है, अब हमारे प्रिंटर से टेस्ट प्रिंट निकलना स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना होगा कि उस टेस्ट प्रिंट को मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा, अगर फोटो कर खींच के मैं दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, इस वजह से मैं उसको स्कैन करके दिखाऊंगा और जूम करके दिखाऊंगा कि वो प्रिंट फट तो नहीं रहा कहीं से। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और चलता हूँ मैं स्कैनर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे स्कैनर वाला ऑप्शन मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पे पहले वाला डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको बताया था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं जो अभी मैंने प्रिंट करा है वो डॉक्यूमेंट में स्कैन कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको स्कैनिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना हो सकता है यहाँ पे, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने प्रिंट किया है वो स्कैन हो जाए। तो यहाँ पे वो स्कैन हो गया है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं,
पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर दिया है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट ओपन करके। तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें अच्छे से दिखे भैया, कहीं कहीं से कट तो नहीं रहा। तो डॉक्यूमेंट तो काफ़ी हमें अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे किसी तरह की कोई लाइनिंग नहीं दिख रही है, सारे वर्ड एज इट इज़ प्रिंट हुए हैं और सब कुछ अच्छा दिख रहा है, यानी कि हमारा जो प्रिंटर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। पहले की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई वर्ड नहीं कट रहा है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी तरह की कोई लाइनिंग नहीं है। इट्स मीन ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है और हमें अब प्रिंटर की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक और चीज़ है जो मैं प्रिंट करके देखना चाहूँगा, कलर फोटो। पहले क्या होता है, कलर फोटो में हल्की सी लाइनिंग आ रही थी, कलर फोटो क्लीन नहीं आ रही थी, एकदम काफ़ी धुंधली धुंधली दिख रही थी। तो यहाँ पे एक फ़ोटो पड़ी है मेरे पास पासपोर्ट साइज किसी स्टार की, तो मैं वो प्रिंट करके देखना चाहूँगा। तो मैं इसको सबसे पहले फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, उससे यह रहेगा कि फ़ोटोशॉप में सभी तरीके की साइजेज हमें मिल जाती है, वहाँ पे कुछ सेलेक्ट करना ज़रूरत नहीं होता, फ़ोटो होता है तो वहाँ पे सारी साइज मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट दे के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फ़ोटो खुल चुकी है और यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट देना है। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, प्रिंटर सेलेक्ट करता हूँ, प्रिंट मैंने दे दिया है। हमारे प्रिंटर से ये प्रिंट निकलना स्टार्ट हो गया है और हमें थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि प्रिंट नहीं निकल जाता। तो हम सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, प्रिंट निकल के आ गया, एकदम बढ़िया प्रिंट आया है। अब हम इसको स्कैन कर लेते हैं प्रिंटर में लगा के। तो यहाँ पे हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा वेट करना होगा स्कैनिंग के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट में स्कैनिंग में टाइम लगता है, तो यहाँ पे स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो ये स्कैन हो रहा है, फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल हमने जो प्रोसेस करा है वो फ़ोटो में भी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है, आप हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करके फिर उसको हम देखेंगे कि भैया जो ये फोटो हमने डॉक्यूमेंट स्कैन किया था वो सही से प्रिंट हुआ है या नहीं। तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। JPG PNG में हमें दिख रहा था, तो ये इमेज नाम की एक फाइल दिख रही है, उसको हम ओपन करेंगे। इमेज नाम की फाइल नीचे की तरफ पड़ी है, तो हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं ये फाइल है, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रिंट निकला है। तो प्रिंट तो काफ़ी स्मूथ है और किसी तरह की कोई लाइनिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कि हमने जो प्रोसेस किया है वो कम्प्लीटली डन हो चुका है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिखी है हमारे प्रिंटर में, हार्डवेयर में छोटी मोटी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी वो हमने ऑलमोस्ट डन कर दी है। अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।